अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। ठीक है, हमारा आज का जो मैसेज है वो है कुरान से दूरी नहीं करनी। कुरान से दूरी नहीं करनी। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है एडजेक्टिव्स। ठीक है प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसको इसकी रीडिंग करेंगे। ए डी जे ई सी जेड टी आई वी ई एस टीज अजिक टीज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कहते हैं प्यारे बच्चों, आपने गौर से सुनना है। ठीक है, एडजेक्टिव्स कहते हैं इसमें सिफ्ट को। किसको कहते हैं? इसमें सिफ्ट को। इसम कहते हैं नाम को, किसी भी चीज का नाम। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना प्यारे बच्चों, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब के नाम हैं। लाइक इसको क्या कहते हैं? पेंसिल, ये इसका नेम है, इसम है। इसे क्या कहते हैं? बुक। इसको क्या कहते हैं? एलिफेंट, एलिफेंट इसका नेम है। ठीक है, एडजेक्टिव्स कहते हैं इसमें सिफ्ट को। सिफ्ट कहते हैं खूबी को, सिफ्ट कहते हैं खूबी। और एडजेक्टिव्स होती है इसमें सिफ्ट, यानी किसी की, किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को बयान कर। खामी कहते हैं बुराई को। ठीक है, एडजेक्टिव्स इसमें सिर्फ। चले प्यारे बच्चों, हम सेंटेंसेस से पहले रीडिंग करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें इसमें सिर्फ क्या है। ठीक है, आ बी आई जी बी बी आई जी बी बिग में बड़ा, बिग में बड़ा। ई एल ई एली ई एल ई एली पी एच ए एन टी फैन एली फैन। आ बिग एलिफेंट, एलिफेंट कहते हैं हाथी को। ठीक है, और ये जू में भी पाया जाता है और जंगलों में भी। ठीक है, आ बिग एलिफेंट। प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में एलिफेंट जो है वो है नाम, यानी इसम। नाम मैंने आपको बताया ना, इसम कहते हैं नाम को, किसी भी चीज के नाम। अब एलिफेंट है, ये इसका नेम है, नाम है। और बिग क्या है? ये इसकी सिफ्ट है, यानी खूबी है। एलिफेंट यानी बिग, बिग एलिफेंट इसमें सिफ्ट है, यानी एडजेक्टिव्स है। क्या है? एडजेक्टिव्स। आ बिग एलिफेंट, ए बड़ा हाथी। ठीक है, नेक्स्ट है आ स्मॉल एलिफेंट, आ एस एम ए डबल एल स्मॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल। स्मॉल में छोटा, स्मॉल में छोटा एलिफेंट। ई एल ई एली पी ए ए एन टी फैन, एलिफेंट में हाथी। आ स्मॉल एलिफेंट, ए छोटा हाथी। एलिफेंट है वो है नाउन। क्या है? नाउन यानी इसम। ठीक है, स्मॉल कहते हैं सिफ्ट को, यानी एलिफेंट की सिफ्ट क्या है यहाँ? क्या है? स्मॉल यानी छोटा, एक छोटा हाथी। आ स्मॉल एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे आ यंग बॉय, आ
वाई ओ यू एन जी यंग, यंग कहते हैं लड़के को, सॉरी जवान को, ठीक है। बॉय बी ओ वाई बॉय, बॉय कहते हैं लड़के को। आ यंग बॉय, ए जवान लड़का, लड़का है नाउन यानी इसम, ठीक है। यंग है उसकी सिफ यानी खूबी, अ यंग बॉय। नेक्स्ट है ए एन, एन ओ एल डी ओल्ड वुमेन, डब्ल्यू ओ वु एम ए एन मैन वुमेन, वुमेन कहते हैं औरत को, वुमेन कहते हैं औरत को, ये इसका नाउन है। और ओल्ड कहते हैं बूढ़ी यानी जो बुढ़ापे में हो, जो ज़ईफ हो। एन ओल्ड वुमेन, ए बूढ़ी औरत। प्यारे बच्चों आप मुझे बताना है कि ओल्ड से पहले एन क्यों यूज़ हुआ है। ओल्ड से पहले एन इसलिए यूज़ हुआ है कि ओल्ड का यानी ओल्ड का जो फर्स्ट वाला लेटर ओ है वो वॉवल है। ओल्ड का जो फर्स्ट वाला लेटर वॉवल है, तो जब वॉवल लेटर किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आ जाए तो उसके साथ एन यूज करते हैं, ठीक है। एन ओल्ड वुमेन, ए बूढ़ी औरत। प्यारे बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको एक बार फिर बता दूँ एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेंगे, ए डी जे ई सी जेड टी आई वी ई एस टी, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कहते हैं इसमें सिफ्ट को, इसम कहते हैं नाउन को, ठीक है, इंग्लिश में नाउन को कहते हैं, इसम कहते हैं और इसको कहते हैं नाम। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम है, कोई भी बगैर नाम के नहीं है, विदाउट नेम नहीं है, ठीक है। और इस एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिर्फ यानी किसी की खूबी या खामी को बयान करना, यानी किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करना, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन टेंस में आ बिग एलिफेंट, एलिफेंट है नाउन इसम, ठीक है। और इसका इसकी सिफ्त क्या है, खूबी क्या है, कि ये बड़ा है, बिग है, ठीक है। नेक्स्ट था अ स्मॉल एलिफेंट, एक छोटा हाथी। इसमें जो एलिफेंट है वो नाउन है और स्मॉल है जो उसकी खूबी है, सिफ्त है कि वो छोटा है। अ यंग बॉय, बॉय जो है वो नाउन है, ठीक है, यंग है वो उसकी सिफ्त है यानी खूबी है। एन ओल्ड वुमेन, वुमेन है वो नेम है यानी नाउन है, ओल्ड है उसकी सिफ्ट है यानी वो बूढ़ी है। एन ओल्ड वुमेन, ठीक है। प्यारे बच्चों आपने इसको घरों में याद करना है और साथ साथ अपनी नोटबुक्स पे लिखते भी जाना है ताकि आपकी राइटिंग जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, वो गंदी ना हो, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।